हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी होंगे और आपको गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं सभी फ्रेंड्स को, सभी फैमिली को। तो हम पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक लेके आता रहता हूँ, तो आप सबके लिए फिर एक छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आईपी, तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप जैसे ही हिप्पी के नाम से, ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। मैंने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी। तो ये कैसा है, बिल्कुल सेम जैसे टिक्की है, शेयर चैट है, टिकटॉक था, मैक्स टका टक है, तो इस तरीके की एप्लीकेशन है ये। बहुत ही इसके स्पॉन्सर हैं जो अक्षय कुमार हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो क्रिएट अकाउंट किस तरीके से करना है, इसका डैशबोर्ड क्या होगा। हमें प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद में आपको लॉगिन, आप मोबाइल नंबर से करना चाहे तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हम पहले मोबाइल नंबर डाल देते हैं और सेंड ओटीपी पे ओके करते हैं। और ओटीपी जैसे ही चला जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद में ऑटोमेटिक ही एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा तो अकाउंट जो वेरीफाई हो जाएगा, हो चुका है। और हम देखना चाहते हैं एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखा दें कि इसमें जो वीडियो क्रिएट, तो यहाँ पे वीडियो क्रिएट पे ओके करेंगे, अलाउ कर दें सभी कंडीशन को क्योंकि परमिशन मांगी जाती है। डिपेंड करता है आप कैसी वीडियो डालना चाहते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे डाल के लेना चाहे साउंड ले सकते हैं, इफेक्ट लेना चाहे इफेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद होता है डिस्कवर। तो डिस्कवर का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी पॉपुलर चलते होंगे, जो सुपरस्टार हैं फिलहाल में, ठीक है, यहाँ पे टॉप हिप्पी स्टार जैसे अंकित गुप्ता है, शिवानगी है, कुछ इस तरीके के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। और होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको तो यहाँ से आप जितने भी आपके हैं सेम वही कंडीशन होती है, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं कि नाइस, कमेंट चला गया। उसके बाद बैक करें और इसको हम रोक देते हैं। और फॉलो का ऑप्शन यहाँ से होता है प्लस के, तो यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही वो फॉलो बैक देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो सारा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं हिप्पी पे। तो यहाँ से आप अंदर वाला मैसेज अगर उन्होंने फॉलो कर लिया है तो आप टेक्स्ट मैसेज वाला भी मैसेज कर पाओगे अगर वो सामने से फॉलो बैक कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इसका जो ये फंडा मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर इस तरीके का अगर स्टेप करते हो, वीडियो अगर प्ले करते हो, देखिए मैंने वॉल्यूम को बंद कर दिया है। वॉल्यूम को इसलिए बंद किया है कि जो चैनल पर अगर हम किसी और म्यूजिक वगैरह बीच में लेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आने की संभावना होती है, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है और साउंड को जो कम कर दिया मैंने वॉल्यूम। बाकी आप स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े मिलने लग जाए। तो यहाँ पे डिस्कवर पे जाएंगे, डिस्कवर पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था शिवानी, तो ये है जो सुपर है फिलहाल में, तो ये सबसे सेकंड नंबर पे। तो इसके जो फॉलोवर्स हैं वो कितने हैं, 26,000 के आसपास होंगे समथिंग, मुझे लगता है 26,000। बाकी मुझे हम यहाँ से फॉलो करेंगे, फॉलो कर लिया, ठीक है। फिर सारा ग्रुप हम इसको देखना चाहते हैं इसके कितने फॉलोवर्स हैं इसमें, तो इसके हैं 21,000। तो ये भी यहाँ पे रील को डालते हैं कंटिन्यू अपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वीडियो देखना चाहते आप देख सकते हैं, ठीक है। सो नहीं देखना चाहते यहाँ से बैक कर दें। और आप उसके बाद ऊपर जो एक चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, नेट की वजह से थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हिप्पी स्टनर 2022 का प्रेजेंट, और इसमें कुछ खास चीज़ें जो दी गई हैं वो आप देख सकते हैं, इस हिसाब से चलता रहता है। तो बैनर है जो ये आगे पीछे स्क्रॉल होता रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ी दिक्कत। यहाँ से मोर से आप जाके इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन वो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही इसका प्रोसेस है। यहाँ पे क्रिएट वगैरह क्रिएट वीडियो पे आप जाके ट्रेंडिंग जो इसमें चलते हैं
म्यूजिक ट्रेंडिंग चल रहा है या कोई और चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे इसका डैशबोर्ड है जैसे टिकी का है। तो टिकी का तो सभी लोगों को जानते, अगर नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि क्रिएट अकाउंट किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट वीडियो कितने बाई कितने का होना चाहिए, रेगुलेशन क्या होना चाहिए, कितने टाइम में पोस्ट करनी चाहिए, क्या वीडियो का रेशियो होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। तो इसमें भी सेम है, अगर फर्स्ट वीडियो आप इसमें बता दें तो आपको जो इसकी गाइडलाइन है यहाँ पे फॉलो, जितने भी आप फॉलो कर लोगे आपको यहाँ पे सभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी सभी की वीडियो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगी, आप इसको फॉलो करो। प्रोफाइल पे जाओगे, प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग में आओगे, यहाँ पे प्राइवेसी है, शेयर प्रोफाइल इनवाइट है, और उसके बाद लैंग्वेज वगैरह डाटा है, हेल्प सेंटर है, कंटेंट कंप्लेंट अगर किसी के, और यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन। गाइडलाइन एक बार ज़रूर मैं पढ़ लिया करें, अगर आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हो करते हो तो गाइडलाइन पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर गाइडलाइन नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे सब चीज़ें जो कंटेंट वगैरह है वो आपका ही होना चाहिए, पार्टी और फुल एनिमेशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और वीडियो की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। गलत कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना है आपको, अच्छे डालने हैं सभी जो देख सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक बार आप रीड ज़रूर कर लें और उसके बाद में आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। टिप्स ट्रेंड्स वगैरह जो होती है वो भी डाल सकते हैं इसमें सभी, और हर तरीके की इसमें वायलेंस वगैरह अगर नहीं होनी चाहिए, अगर वायलेंस पीछे होगा तो जो आपकी वीडियो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। पॉलिसी वगैरह वो आप पढ़ सकते हो, सब चीज़ें कहने का मतलब इसमें दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे जैसे कि यहाँ पे, तो इसमें यूजर नेम नहीं दिया हुआ फिलहाल में, तो आप यूजर नेम डाल सकते हो अपना, ठीक है। सो यूजर नेम यहाँ पे 40 अंक दिए हुए, तो आप अपना जो आपका ओरिजिनल यूजर नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको आप कट कर दें यूजर नेम को, जो आपका ओरिजिनल नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो आप स्पेस नहीं देना चाहते वो भी ठीक है, अगर स्पेस दे के रखेंगे तो भी आपको इस तरीके का चल जाएगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आप ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो जो मैं अपना नाम रखता हूँ हमेशा के लिए वो चीज़ जो मैं चलता है हमेशा से FB पे मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे हम बीच में एक छोटा सा तो वो यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। सो सेव नहीं हो रहा, सॉरी। तो यहाँ से हम करके देखते हैं, सो फाइनली हो जाएगा जहाँ तक, तो ये नहीं हो रहा है, तो ये किसी के पास ऑलरेडी नाम है, किसी ने बनाया हुआ है तो इसलिए वो नहीं हो रहा, तो हम अपना नाम ही रख लेते हैं। सो कैंसिल करते हैं, इसमें आ नहीं रहा है। तो इसमें जाके आप एक बार कर सकते हैं, इसमें करना है, सॉरी है ना, तो इसमें नाम डालना है अपना, नाम डाला उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 60 कर लें और ये जो है अवेलेबल हो चुका है, अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, सो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए नीचे भी आपका नाम बन चुका है, बायो में आप डाल सकते हैं। इसमें 200 नंबरिकल जैसे कि ABCD 200 नंबर आप इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने बायो में अगर लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले में, तो जहाँ आपको लिखता है कि I am, जैसे कि आपको लिखना था I am एक मोटिवेट कम्युनिटी लेसन एंड इंस्पायर,
इंस्पिरेशन क्रिएटर वीडियो। सो आप ये आप लिख सकते हो और अपने बारे में कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हो। प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल के ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा और यहाँ पे शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, आप किसी को शेयर कर सकते हैं। बैक चलते हैं और इसमें चलते हैं और उसका फोटो पे आते हैं और एक आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से। चूज द गैलरी, दोबारा से जाके आप गैलरी से भी चूज करके कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक दिखावे के लिए और आपको किस तरीके से इसमें मेंशन करना सभी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो मुझे ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा क्योंकि ये अभी नया है, तो आप इसमें अगर वीडियो अपलोड करते हो बनाते हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेस्ट होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए गलत चीज़ साबित हो सकती है। सो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप अपने आप को कहते हैं कि फेमस होने का अच्छा तरीका है और फैन फॉलोइंग भी यहाँ से आपको अच्छी मिल जाएगी। जब यहाँ से फैन फॉलोइंग मिल जाएगी तो उन फैन फॉलोइंग को आप अपने वीडियो में कहकर आप अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब ब्लॉग्स पे बुला सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे बुला सकते हो, इंस्टाग्राम क्रिएटर जो प्लेटफॉर्म है आपके वहाँ पे बुला सकते हो, फेसबुक के पेज पे बुला सकते हो, तो सभी तरीके के आपको मिल जाते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। सो मैंने प्रोफाइल जो लगाया था जहाँ तक वो अभी लगा नहीं है, सो हाँ लग चुका है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। तो ये वीडियोस आपके लिए बेहतर है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप अच्छी खासी फैन फॉलोइंग को प्राप्त कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो को सबसे प्राप्त हो। साथ ही साथ आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।